हेलो द सेटअप इज रेडी। हेलो एवरीवन, आप लोग सब कैसे हैं? होप करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आप आ चुके हैं फिजिक्स विद ईज, जहाँ पे फिजिक्स बहुत को ईज तरीके में समझाया जाता है। तो आप आ चुके हैं आप लोग के चैनल पे। तो हमें आपको पता है, जैसे कि अपन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक चालू कर चुके हैं चैप्टर, तो आज हम पार्ट नंबर 6 पे आ चुके हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक के। इससे पहले हम 5 पार्ट इसके कवर कर चुके हैं। तो छोटा सा रिकैप ले लेते हैं क्या क्या कवर कर चुके हैं। जैसे पहले पार्ट में पढ़ा हमने सिलिकॉन इज अ डायमंड क्रिस्टल, देन बेन एनर्जी थ्योरम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन कंसेप्ट ऑफ होल कंडक्शन, एंड देन द नेक्स्ट वीडियो वेयर लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर, एन टाइप देन पी टाइप, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव मेक द पी एन जंक्शन डायोड, देन व्हाट इज डिप्लेशन लेयर, व्हाट इज पोटेंशियल का बैरियर, एंड देन वॉट इज बाइसिंग, बाइसिंग और डायर इन विच वी हैव रन अबाउट रिवर्स बाइसिंग एंड देन फॉरवर्ड बाइसिंग। ओके, देन वी आर रनिंग रन अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द प्रीवियस वीडियो, विच आर रेक्टिफायर सर्किट, विच इज हाफ वे रेक्टिफायर सर्किट एंड द फुल वे रेक्टिफायर सर्किट। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट हाफ वे रेक्टिफायर सर्किट एंड फुल वे रेक्टिफायर सर्किट। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो इफ यू हैवंट सीन दिस वीडियो, तो यू वॉट यू हैव टू डू, जस्ट सर्च इन द यूट्यूब सर्च बॉक्स विजिट विद ईच चैनल, इजली यू गेट अ प्ले लिस्ट हियर, एंड विच एवर वीडियो यू लाइक टू सी you can see it. Now we will continue with this next video, which is our 6th video, and that today's topic is transistor. So today's all transistor का आज हमारा पूरी जो वीडियो वो ट्रांजिस्टर पे रिवॉल्व होगी। आज की वीडियो आपको थोड़ा अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर आपने आज की वीडियो नहीं समझी तो मैं कहता हूँ आपको अगली की 3 वीडियो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरे डिपेंड है ट्रांजिस्टर, ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर, स्विच। तो आज की 3 वीडियो पूरी इस पर ही डिपेंड है। तो आपको आज ट्रांजिस्टर अच्छे से समझना है, कठिन टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझना है, बहुत इजी टॉपिक है। तो जल्दी से चालू करते हैं, ठीक है? ओके, द वीडियो इज गोइंग। तो अब हमें पहला चीज आती है ट्रांजिस्टर होता क्या है, ठीक है? तो अब देखिए जो ट्रांजिस्टर होता क्या है, ट्रांजिस्टर बनता कैसे है और ट्रांजिस्टर की वर्किंग क्या है, सब समझेंगे। तो जिसमें मैंने कुछ क्विक पॉइंट देखे दिए हैं, तो आप इनको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो पहला है, इट इज मेड अप ऑफ 2 पीएन जंक्शन डायोड। हमने इसकी पहले वाली वीडियो में अच्छे कवर कर चुके हैं कि पीएन जंक्शन डायोड होता क्या। तो ये होता है 2 पीएन जंक्शन डायोड से बनता है। अब 2 पीएन जंक्शन का डायोड का मतलब क्या हुआ, और इट इज ऑफ 2 टाइप, ये 2 टाइप्स का होता है, और ये पीएन दो तरह का 2 पीएन जंक्शन डायोड से बनेगा, और ये 2 टाइप का होता है। विच मीन्स देखिए, पहला जैसे अगर ये एनपी है, ये एक हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, फिर एक और पीएन, तो ये एक और हमारा ये फर्स्ट पीएन जंक्शन डायोड, ये सेकंड वाला, तो इस ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। कैसे हुआ देखिए, अगर दो एन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर के बीच में दो पी टाइप के ट्रांजिस्टर सैंडविच हो जाते हैं, मीच एक वो हो गया तो वो सैंडविच हो जाते हैं, तो वो हमारा कहलाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या होता है एनपीएन। इसी तरीके से एक और हम देते हैं, एक लेते हैं पीएन ट्रांजिस्टर और एक और एनपी ट्रांजिस्टर, ये दो ट्रांजिस्टर और फिर से होगा, तो ये हमारा क्या बनाएगा, होप आपको समझ में आ गया होगा, ये बनाएगा हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर, कि दो पी टाइप के ट्रांजिस्टर के बीच में दो एन टाइप के ट्रांजिस्टर सैंडविच हो गए। तो एक हो गया हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक हो गया हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके, तो ये हमारे दो टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर हो गए, ठीक है, 2 टाइप्स के ये। तो फिर से समझा देता हूँ, पहला तो ये 2 पी इंजेक्शन डायोड के बनते हैं, 2 पी इंजेक्शन के डायोड लेते हैं, और अगर हम इस तरह के लेते हैं कि दो एंड के बीच में दो पी सैंडविच हो जाए, तो वो बनता है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर, और दूसरा अगर दो पी के बीच में दो एन सैंडविच हो जाए तो वो बनता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए आप, ठीक है। अब दूसरी चीज जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये चीज है कि क्वेश्चन ये होता है कि हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर बहुत ज्यादा यूज में आता है, इसकी इफिशियंसी बेस्ट होती है एज कम्पेयर टू पी एन पी ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, बेस्ट होती है एज कम्पेयर टू द पी एन पी ट्रांजिस्टर एनपीएन की, किसकी एनपीएन की, इसकी ट्रांजिस्टर ज्यादा होती है, और ये बहुत ज्यादा यूज में आएगा, आपकी बुक मुक में देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा एनपीएन ट्रांजिस्टर ही मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा क्यों होती है, इसकी कम क्यों होती है, ये बेटर क्यों होता है, ये क्यों नहीं होता। अब सिंपल चीज है, आपको पता है यहाँ पे क्या है एनपीएन ट्रांजिस्टर में, और यहाँ पे क्या है ज्यादा क्या है एन है, और हमें पता है कि जो एन में सबसे ज्यादा क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लियरली आपको पता है, और यहाँ पे क्या है ये पी, और पी में क्या होता है सबसे ज्यादा होल्स होते हैं। अब अपन जब बात करने जाएं इलेक्ट्रॉन और होल्स की, तो आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन होल होल में से सबसे ज्यादा मास किसका होता है, ये आंसर है इसका, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, कम होता है, जो मास होता है ना इलेक्ट्रॉन का होता है कम, और जो उसी कंपेरिजन में जो होल का जो मास होता है ना वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अब आप ये समझाइए कि होता क्यों है, अब मुझे क्लियरली पता है, देखिए अगर जैसे मैं सिलिकॉन को ही मान लेता हूं, तो ये हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गए हमारे 4 इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट ऑर्बिट में, ये हो गए।
अब मुझे क्लियरली पता है ऐसे मैं इसको एनर्जी देता हूँ तो एक्साइटेड होके बाहर चले जाता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है फ्री हो जाता है और यहाँ पे क्या क्रिएट कर देता है, होल क्रिएट कर देता है। और हमें क्लियरली पता है, आपको क्लियरली दिखा है, ये इलेक्ट्रॉन तो हमारा फ्री हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो जाता है, मगर क्या होल फ्री होता है क्या कभी? होल तो कभी फ्री होता ही नहीं है। तो ये पहला पहला पूरा ये इलेक्ट्रॉन, उसके बाद यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा उसका मास, तो ये जो होल होता है ना वो हमेशा याद रखिएगा वो बहुत, उसका जो मास होता है ना वो हेवी पार्टिकल होता है होल, होल और इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो जाता है। तो ये कंपेरिजन होल के कंपेरिजन से ये लास्ट लाइट पार्टिकल होता है और उसका मास कम होता है। और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए फिजिकल टू एम ए, फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इजिकल टू एफ अपॉन एम। अगर भाई साहब मास कम है इलेक्ट्रॉन का तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और अगर मास ज्यादा है होल का तो एक्सेलरेशन कम होगा, विच मीन्स इलेक्ट्रॉन विल बिहेव लाइक अ गुड मोबाइल चार्ज कैरियर, जो हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी गुड मोबाइल चार्ज कैरियर एज कम्पेयर टू होल, दैट्स व्हाई एनपीएन ट्रांजिस्टर आर द बेस्ट इफिशियंसी ट्रांजिस्टर। तो ये इसका आपका जवाब हो गया, ठीक है, कि वाई एनपीएन ट्रांजिस्टर द बेस्ट इफिशियंट ट्रांजिस्टर एंड वाई वी यूज एनपीएन ट्रांजिस्टर मोस्ट एंड वाइडली यूज्ड एज कम्पेयर टू पीएनपी ट्रांजिस्टर। फिर से बता देता हूँ, इट इज मेड अप ऑफ टू पीएन जंक्शन डायोड, व्हेन वी सैंडविच द पीएन टू पीएन सेमीकंडक्टर टू पी सेमीकंडक्टर विद इन द टू एन, मतलब अगर हम दो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को दो एन के बीच में सैंडविच कर देते हैं तो हमारा बनेगा एनपीएन, या फिर हम दो एन को दो पी के बीच में कर देते हैं हमारा बनेगा पीएनपी। इन दोनों से आपसे पूछता हूं तो कौन की ज्यादा एफिशिएंसी, तो आप सीधे कह देंगे एनपीएन की। काय के लिए? क्योंकि इसमें जो हमें पता है क्या होता है, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन और इसमें क्या होते हैं सबसे ज्यादा होल होते हैं, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो जाता है, हमारा होल का भी फ्री नहीं होता, और इसका जो होल का जो मास होता है वो बहुत ज्यादा होता है इस कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, एंड इफ द मास इज लेस देन द एक्सेलरेशन इज मोर, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन इज द बेस्ट मोबाइल चार्ज कैरियर। तो अब ये हो इतनी बात हमारी, हमारी बहुत सारी बात हो ट्रांजिस्टर की। अब दूसरी चीज पे हम आते हैं, ठीक है, अब वो ये चीज पे आते हैं, मैं इसको थोड़ा बना देता हूँ आपके लिए अच्छे के लिए, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके कर लिया। अब जो हम दूसरी चीज पे आते हैं उसकी, मतलब ये बनता है कैसे, तो जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, इसको आप है ना गौर से ऑब्जर्व करिएगा, ये है ना इसके डायग्राम में मतलब बहुत अच्छी है वो हैगा, मैं आपको आगे बताऊंगा कि डायग्राम कैसे बनता है, क्योंकि एग्जामिनर ये डायग्राम को देख के मार्क्स काट लेता है अगर आप इसको डायग्राम बनाते गलत हैं तो। कैसे अभी हम पहले बात करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर, मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर की सबसे ज्यादा बात होगी तो ये होगा हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब हमें पता है एनपीएन ट्रांजिस्टर इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन, तो इसमें मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, ये होगा हमारे मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई साहब आप गिर जाएंगे, आप इधर रहिए, इसमें क्या रहते हैं मेजोरिटी होल, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, ओके ओके। अब ये बात होती है जो हमारे ये होते हैं ना, जो हमारे ट्रांजिस्टर वो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, वो बहुत यूज में क्यों हो जाते हैं, इसका सिंपल सा आंसर है क्या रहता है, हमें क्या पता है कि हमेशा हमने जितनी भी चीज देखते हैं उसमें क्या रहता है, दो आउटपुट होते हैं और दो इनपुट होते हैं, मगर ये इस वजह से इतने ज्यादा यूज में आ जाते हैं और इतने स्पेशल बन जाते हैं। इसके अंदर ना तीन, ये देखिए तीन, एक एमिटर, एक बेस और एक कलेक्टर है, तो क्या होता है कि इसमें कभी एमिटर बेस से कनेक्ट हो जाता है या और बेस कलेक्टर से कनेक्ट हो जाता है, या फिर इसी की तरह कभी एमिटर डायरेक्ट कलेक्टर से कनेक्ट हो जाता है और कलेक्टर बेस से कनेक्ट हो जाता है, या फिर कलेक्टर एमिटर से कनेक्ट हो जाता है या फिर कलेक्टर बेस से कनेक्ट हो जाता है, मतलब इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है कनेक्शन की। इसकी वजह से हमारे जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा यूज में होते हैं और बहुत ज्यादा वो रहते हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम में क्या ऑब्जर्व करना है, ये डायग्राम को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ये रहता है कि हाँ पहला ये देख लीजिए, ये होता है हमारा इमिटर, इमिटर ये होता है एमिटर, ये होता है हमारा बेस और ये होता है हमारा कलेक्टर। एमिटर क्या करता है, ऐसा नेम समझ में ये इसका मान लीजिए एमिटर मींस इमिट करता है, इमिट्स करता है इलेक्ट्रॉन को, इमिट करता है ये चार्ज को, ठीक है। कलेक्टर कलेक्ट करता है, और बेस का भी मैं बताता हूँ, चलिए ठीक है। अब जो बात करना है कि मैं लिख देता हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो ये हो गया हमारा इमिटर, एमिटर एक हो जाता है हमारा बेस और ये अला हो जाता है हमारा कलेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक बनेगा टेबल,
ओके वो काई पे होगा, एक होगा हमारा साइज पे और दूसरा होगा डॉपिंग पे। डॉपिंग, व्हाट इज डॉपिंग? एज कवर इन द प्रीवियस वीडियो टू डॉपिंग का मतलब क्या होता है, हम पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं कि डॉपिंग का मतलब क्या होता है। डोपिंग का मतलब क्या होता है कि एक इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, मींस प्योर, अगर उसमें अपन पेंटावेलेंट या फिर हम मान लेते हैं ट्राईवेलेंट जोन सा ऐड करते हैं, वो इस कंडीशन एन बनाना है कि पी बनाना है, तो वो क्या हो जाता है, एक्सेंट्रिक हो जाता है, वो इम्प्योर बन जाता है, तो उसको मतलब क्या होता है, डोपिंग होती है ना। वही आप बहुत ईजी चीज है जो आप बहुत अपन फर्स्ट वाले उसमें अपन कवर कर ही चुके हैं, व्हाट इज द डोपिंग, द प्रोसेस ऑफ एडिंग द इंप्यूरिटीज इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू मेक इट द एक्सिस्टिंग सेमीकंडक्टर। ठीक है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इसके बारे में, थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि आपको जो याद रखना है, जो डोपिंग होती है वो एमिटर में सबसे ज्यादा होती है, इट इज वेरी हाई इन विच इमिटर। देखिए मैंने कितनी ज्यादा डोपिंग करी है इसमें, ठीक है, और जो हमारी कलेक्टर होती है ना उसमें क्या, नहीं हाँ चलिए पहले इसका देखिए, पहले बेस का, तो बेस में क्या होती है, वेरी लेस, लेस मैं लिख देता हूँ लेस। ओके ओके हाँ, हम कहते हैं कि बेस में क्या होती है, वेरी लेस होती है। ठीक है, और जो हमारी कलेक्टर होती है ना उसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारी जो बेस है उससे तो ज्यादा होती है, जो हमारी बेस है उससे तो क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन जो हमारा इमिटर है उससे क्या रहती है, कम रहती है। ओके ठीक है, अब ऐसी बात करते हैं साइज की, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ा साइज किसका होता है, हमारा कलेक्टर भाई साहब का, तो इसका कलेक्टर का साइज क्या होता है, सबसे ज्यादा, मींस ह्यूज। उसके बाद जो दूसरी चीज है बेस, उसका साइज क्या होता है, वेरी लेस, उसका साइज क्या होता है, कम होता है, मींस लेस। ठीक है, और जो हमारा इमिटर होता है उसका क्या होता है कि हमारा, देखिए कलेक्टर से तो कम है मगर बेस से तो ज्यादा है ना, विच मीन बेस से तो ज्यादा है और कलेक्टर से क्या है, कम है। तो ये कुछ जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखना है, या आप जैसे पॉइंट लिखेंगे इस तरह का, आप थ्योरी लिखेंगे तो आपको जो एग्जामिनर खुश होकर मार देगा। और हाँ, मैं जो बोल रहा था कि इसमें क्या ध्यान रखना रहता है कि ये देखिए जो साइज है ना, साइज डॉपिंग ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, एग्जामिनर आपको ये चेक ही करता है कि मीटर में आपने डॉपिंग सबसे ज्यादा हाई रखी है कि नहीं रखी, बेस का साइज सबसे कम रखा है कि नहीं रखा, या कलेक्टर का साइज सबसे ज्यादा रखा है कि नहीं रखा। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि जो हमारा कलेक्टर होता है ना उसका साइज सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है हमारा इसका एमिटर का, सबसे कम होता है बेस का। इस तरह डॉपिंग सबसे ज्यादा एमिटर में होती है, सबसे कम होती है बेस में, और सबसे और बीच में इंटरमीडिएट, विच मीन्स बेस से तो ज्यादा हमारी एमिटर से कम होती है हमारी इसमें। तो ये जो हमारे कुछ पॉइंट है जो आपको कह रहे थे बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये इसके बाद से आपकी पूरी थ्योरी लिखेगी। तो ठीक है, इतनी बात हो गई। अब दूसरी बात पे आते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू एक्टिवेट, मैं लिख देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हाउ टू एक्टिवेट ट्रांजिस्टर। बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करते हैं इसका। एक याद रखने के लिए ये है कि ई एफ एन सी आर, देखिए इसका शॉर्ट में रखने का क्या है, ई एफ, हमें पता है ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। ठीक है, और जो हमारा सी आर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैंने इससे याद रखा था, हमारा कौन फुटबॉलर। ठीक है, तो ई एफ तो आपको याद रहेगा, ई के बाद क्या आता है, एफ, और सी आर कैसे याद रखेंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा ई टाइप होता है, हमारा इमिटर होता है ना, उसको हमें काई में करना है, ई होता है हमारा एमिटर जंक्शन, लिख देता हूं। और जो हमारा सी होता है ना वो क्या होता है, हमारा कलेक्टर जंक्शन। ओके, यहां पे कहां है वो, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इमिटर जंक्शन, इमिटर जंक्शन, और ये हमारा क्या है, ये हमारा कलेक्टर जंक्शन। क्लियरली आपको पता है ना, हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बना रहे हैं, हमें पता है एनपी पीएन, जो हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जंक्शन होते हैं ना, तो हमने इनको सैंडविच कर दिया, तुम्हारे इसमें कुछ के बीच में जंक्शन तो होंगे ना। ठीक है, वही बात। ठीक है, तो जो हमारा इमिटर जंक्शन है वो क्या होगा, एस से, मींस फॉरवर्ड, इट विल बी इन द फॉरवर्ड बायस, एंड आर मींस दिस विल बी इन द रिवर्स बायस। तो ये बहुत इजी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है नी एफ, जो हमारा इमिटर जंक्शन होगा वो काई में होगा फॉरवर्ड में, और जो हमारा जो ये अपना कलेक्टर जंक्शन वो होगा हमारा काई में रिवर्स बायस। ठीक है, तो क्या ये हमारा होगा अपना फॉरवर्ड बायस में, देखिए एफ, तो मैंने इसको कर दिया अपना फॉरवर्ड बायस में, एफ डब्ल्यू डी, ऐसे अभी लिखने के लिए उसको कर दिया रिवर्स बायस में, तो ये हो जाएगा अपना एक रिवर्स में, एक हो जाएगा अपना फॉरवर्ड बायस में। तो ये थी पूरी कहानी हमारी ट्रांजिस्टर की। हाँ, एक और चीज है, वो है हमारा इसको क्या, कि इसका जो साइन होता है, इसको जो बनाने का वो मान, यहाँ पे अपनी थोड़ा
एक काम करिए, आप पहले इसकी पूरी कहानी को स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर मैं आपका आगे आके इसका सब बताता हूँ। ओके हाँ, तो सिंबल, सिंबल मींस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा सिंबल, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है। क्या करना है आपको, देखिए एक आपको क्या बना देना, एक सर्कल बना देना अच्छा सा, हम मुझसे जैसा बन रहा है मैंने बना दिया, आप अच्छा सा बना दीजिएगा। तो ये अपन को एक अच्छा सा सर्कल बनाना है, यहाँ पे अपन को क्या करना है, एक लाइन लेना है ऐसी, ऐसी लाइन, एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी, ठीक है, कुछ तो ऐसा बना दिया ऐसे। ठीक है, अब एक ये हो गया वन दिस एंड वन दिस, ठीक है, ये हो गया हमारा बेस साइड। हाँ, ये हो गया हमारा बेस साइड, ये हो गया हमारा कलेक्टर साइड, और ये हमारा क्या होगा, इमिटर। कलेक्टर और इमिटर को आप कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ पे इमिटर ले लो या यहाँ पे कलेक्टर ले लो, बात एक ही है, कहीं दोनों जगह कहीं भी कर सकते हैं, बेस को आपको यहीं पे रखना है, ये चीज आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। और ये हमारा कौन सा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो ये होगा एन पी और ये होगा एन, ये होगा हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब दूसरी चीज, हाँ, जो डायरेक्शन होता है हमारा वो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू दिस नेगेटिव, तो हमारा हमेशा डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये होगा हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसी तरह पीएनपी का बना देंगे, ये होगा एनपीएन का, लिख देता हूँ एनपीएन, कुछ करना नहीं है, वही हमारा सर्कल बनाएंगे उसी तरह के, ये होगा हमारा बेस, ये होगा हमारा बेस, और ये हमारा कहीं भी कलेक्टर ले लीजिए, कहीं भी एमिटर ले लीजिए, ठीक है, ये हमारा पीएनपी है, तो ये होगा पी एन और ये होगा पी, बस याद रखना है ये जो हमारा डायरेक्शन होगा वो होगा ऑलवेज फ्रॉम पी टू एन, तो ये हमारा ऑलवेज फ्रॉम पी टू एन, ठीक है, तो ये हमारा होगा पीएनपी का, ठीक है। हाँ, इस तरह, तो ये आप इसका और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सो अब अपन आ जाते हैं वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये जो हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर अभी थोड़ी देर पहले समझा उसकी वर्किंग पे आ जाते हैं, कि वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो क्या वही पूरा वैसे ही बनाया है मैंने, कि कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा रखा है देखिए, और डोपिंग कैसी रखी है इसकी मैंने, कि जो अपनी एमिटर है उससे तो कम है मगर बेस के लगभग में ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बेस का साइज सबसे कम, डोपिंग भी कम, ठीक है, और इसकी डोपिंग सबसे ज्यादा और इसका साइज बेस से तो बड़ा है, मेरी एमिटर अपने कलेक्टर से क्या है कम, ठीक है, कलेक्टर से कम। अब आते हैं कि वर्किंग कैसे, अब हमें पता है कि अगर हमें वर्किंग इसकी समझना है तो पहले तो इसका एक्टिवेशन पता होना चाहिए, और अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े कि एक्टिवेशन है, कि इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, कि ईएफ और क्रिस्टिनो रोनाल्डो सीआर मींस जो हमारा एमिटर है जंक्शन, उसको हमें क्या करना है, एफडब्ल्यूडी देना है, फॉरवर्ड बायस देना है। फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में आपको फिर से याद दिला देता हूँ, अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है, कि जो पी है उसको पी के साथ और जो एन है उसको एन के साथ, ट्रू कनेक्शन, पी को पी दिया, एन को एन दिया, ट्रू कनेक्शन, झूठ नहीं बोला इन्होंने, ठीक है। इसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या है, कि जिसको हमें रिवर्स बायस देना है, और रिवर्स बायस की कंडीशन आपको याद दिला दूं तो ये है, हमने फॉल्स कनेक्शन विच मींस पी को दे दिया नेगेटिव और एन को दे दिया पॉजिटिव, गड़बड़ घोटाला, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी हो गया इसकी कंडीशन, अब हमें पता है ये चीज, ठीक है। ओके मैं इसको यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ नीचे, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ। ओके ठीक है, तो ये हो गई बात। तो ई एफ जो हमारा एमिटर जंक्शन है, ये एमिटर जंक्शन है जो हमारा, उसको हमें कहीं से कनेक्ट करना है। अब हमें क्लियरली पता है ये क्या हमारा एन है, ये क्या हमारा पी है, और ये क्या हमारा एन है, तो इसको हमें कहीं से कनेक्ट करना है, एन वाले को ट्रू कनेक्शन नेगेटिव से, और पी वाले को ये हमारे हो गया पॉजिटिव। इसी की तरह से ये होगा हमारे ट्रू कनेक्शन, ठीक है। इस बैटरी का नाम है वीईई, बैटरी के नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जैसे एमिटर पे लगाई है ना, हाँ, इसको लिख देते हैं हमारा एमिटर, ये होगा हमारा बेस और ये होगा हमारा कनेक्टर, ठीक है। तो ये तो इसका कोई नाम से लेना देना नहीं है, एमिटर की बैटरी है, तो इसको कर दिया हमने वी डबल ई, और हम क्या लिखेंगे कि वी डबल ई डबल ई बैटरी इज व्हाट प्रोवाइडिंग द फॉरवर्ड बायस। ओके तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्लियरली कि जो हमारी वी डबल ई बैटरी है वो क्या कर रही है, हमें फॉरवर्ड बायस क्या कर रही है, फॉरवर्ड बायस दे रही है, ठीक।
ठीक है, ये मैंने लिख दिया फॉरवर्ड। इसी तरह जो दूसरी चीज है रिवर्स बायस, वो क्या है कि जो हमारा एन है वो किसके साथ होना चाहिए, पी के साथ, और ये हो गया हमारा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ये है हमारा फॉल्स कनेक्शन, एन को पी देना है, पी को एन देना है, ठीक है। और यादी बैटरी का नाम होगा वी डबल सी, वैसे लेना देना नहीं है, कलेक्टर वाली साइड है तो वी डबल सी, और यहाँ पे अपन लिख देंगे वी सब डबल सी बैटरी इज प्रोवाइडिंग द रिवर्स बायस। अब आपको क्लियरली पता है अगर ये फॉरवर्ड बायस दे रही है तो फॉरवर्ड बायस हमें पहले ही पता है क्या होता है, करंट करंट बनता है, और हमें पता है अगर ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से ये पूरी प्लेट क्या हो जाएगी, ये पूरी प्लेट हो जाएगी अपनी नेगेटिव, ठीक है। अब हमें पता है कि पूरी प्लेट नेगेटिव हो गई तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, और हमें पता है जब नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास नेगेटिव होंगे तो हमें पता है क्या होगा, उनके दोनों के बीच में रिपल्जन हो जाएगा। तो जैसे ही रिपल्जन होगा तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन का रिपल्जन हुआ तो अब इलेक्ट्रॉन करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, मूव करेंगे, विच मीन्स इलेक्ट्रॉन ने हमारा क्या किया, इलेक्ट्रॉन हमें पता है इलेक्ट्रॉन ऐसा क्या होते हैं चार्ज, ठीक है, और चार्ज ने क्या कर दिया, मूव कर दिया, और उसकी वजह से क्या हुआ है, मूव करने की वजह से हमें पता है क्या बनाएगा, ये करंट बनाएगा, क्या बना देगा, करंट बनाएगा, और यही करंट जो हमारा होगी ना उसका नाम पता क्या होगा, उसका नाम होगा हमारा आई एमिटर करंट, वो हो जाएगा हमारा आई एमिटर करंट, ठीक है। अब देखिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्जन हुआ, ये हमारा इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, और जैसे ही आगे बढ़ा इनने यार डिप्लेशन लेयर को क्या करा, क्रॉस किया, और देखिए अब हमें पता है यहाँ तो भैया देखो डोपिंग तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, मीन्स अगर यहाँ से 100% चले होंगे तो यहाँ तो इतनी कम डोपिंग है, इसमें तो कुछ सिंपल सोचेंगे तो सिर्फ 10% ही सेट हुए होंगे, क्योंकि इसकी डोपिंग तो बहुत ज्यादा है, ये 100% है, अगर यहाँ से चरे होंगे तो इसकी डोपिंग तो इतनी कम है कि सिर्फ 10% ही हुए होंगे, तो बाकी के क्या करेंगे भाई, बाकी के क्या करेंगे कि याले को क्रॉस करते करते इसको भी क्रॉस करके, क्योंकि हमें पता है कलेक्टर का साइज बहुत बड़ा है, अगर यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे बहुत कम सीटें हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर 100 जनता जा रही है याले वाले बड़े वाले गेट में से 100 जनता हमारी क्या हुई एंटर हुई, बड़े वाले गेट में तो 100 जनता एंटर हुई, और यहाँ पे कितनी सी मान लेते हैं अगर सिर्फ 10 सीटें हैं, 10 सीटें हैं तो 100 जनता में से 10 लोग बैठ जाएंगे, मगर 90 लोग तो अभी भी बचेंगे, तो वो क्या करेंगे, वापस घर तो जाएंगे नहीं, वो क्या करेंगे आगे वाले डोर में जाएंगे, और यहाँ पे जहाँ पे जगह बहुत ज्यादा है, जब भी कलेक्टर का साइज बहुत बड़ा होता है तो वहां पे जाके वो क्या करेंगे अपन को अपने आप को सेट कर लेंगे, तो क्या होगा 10% तो यहाँ दे जाएंगे, बाकी 90% यहाँ आ जाएंगे। अब बाकी के 90% यहाँ आ जाएंगे तो हमें पता है ये भी इलेक्ट्रॉन भाई साहब, ये भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, रिप्रेजेंट कर जाएंगे भाई साहब, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर जाएंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे एक वायर भी लगा, और यहाँ पे पॉजिटिव का इन्फ्लुएंस भी है, तो आपको क्लियरली पता है कि क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इधर चलने लग जाएंगे यहाँ पे, ओके के वीडियो इसको आएंगे। सो अब क्या हुआ, हमारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चलने लगा भाई साहब, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन ऐसे चलना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर चलेंगे तो फिर से वही क्या होगा कि क्या क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट द करंट, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ चलता है वह उसका और उसका अपोजिट क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन का चलता है करंट के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या चलता है अपोजिट डायरेक्शन चलता है, मींस करंट अगर ऐसा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का हमें पता ही है ऐसा जाएगा, इसके पहले एक बहुत बड़ी एग्जांपल भी दे चुका हूं मैं आपको सीड वाला, ठीक है ना, तो हमें पता है कि ये भी क्या करवाएगा, करंट को कॉन्स्टिट्यूट करवाएगा, और वो करंट क्या होगा, वो करंट होगा हमारा यहाँ पे कलेक्टर में, वो होगा हमारा विच करंट, वो होगा हमारा आईसी विच इज नोन एज कलेक्टर, तो यहाँ पे भी करंट फ्लो होगा और यहाँ पे भी होगा। अब देखिए तो मींस देखिए अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ से करंट जाएगा हमारा, और ये कौन सा करंट है हमारा आई, कौन सा करंट है एमिटर करंट, और इसी की तरह से इसका देखिए डायरेक्शन ये हमेशा अपोजिट जाएगा करंट के फ्लो से, और करंट का डायरेक्शन ये होगा, तो ये कौन सा करंट है हमारा आईसी करंट है, ठीक है। अब इसी की तरह देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आए थे, जब जो हमारी 100 पब्लिक थी जिसमें से जो हमारी 10% की जो पब्लिक थी वो ये सीट में बैठ गई थी, तो ये इलेक्ट्रॉन ने ये होल्स को न्यूट्रलाइज कर दिए थे, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन बैठ चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन बैठ चुके हैं, अब हमें पता है कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट होगा, ये इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे चलेंगे, अब क्लियरली पता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव का इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे नेगेटिव का इन्फ्लुएंस है, तो हमें क्लियरली पता है कि इलेक्ट्रॉन भाई नेगेटिव के पास तो जाएंगे नहीं रिपल्जन करवाने के लिए, वो हमेशा किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, अब फिर से इस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो यहाँ पे भी हमारा करंट बनेगा, और जो वो करंट बनेगा ना वो करंट क्या होगा आईबी विच इज बेस करंट, ठीक है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा ये विच इज इक्वल टू आईबी। अब इस पॉइंट को आप क्लियरली नोटिस करिए,
इस पॉइंट को आप क्लियरली नोटिस करिए तो आपको कुछ चीज इसमें दिख जाएगी। देखिए आपको कोई चीज कि इस पॉइंट को नोटिस किया तो आपको क्लियर लिख रहा है जो हमारा आई है वो क्या है इनकमिंग करंट, और जो हमारा आईपी और जो आईसी है वो क्या है आउटगोइंग करंट है। हमें क्लियरली पता है अकॉर्डिंग टू केवीएल नंबर ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग करंट, विच मीन आई कैन राइट दिस आईई विच इज द इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग करंट विच इज इक्वल टू आईबी प्लस आईसी विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर द न्यूमेरिकल। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा आई ई है वो आई बी प्लस आई सी का के बराबर है। इसका मतलब क्या होता है, रटना नहीं है, इसका मतलब है जो एमिटर का जो हमारा करंट है वो बेस के करंट और कलेक्टर का करंट के बराबर होगा। बात तो सही भी है ना, देखिए समझने वाली बात है, रटना तो ये नहीं, हमें क्लियरली पता है कि डोपिंग सिंपल चीज डोपिंग किसकी सबसे ज्यादा, डोपिंग इसकी सबसे ज्यादा है, और हमें क्लियरली पता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आई इज इक्वल टू एनी एवडी, क्लियर है हमको पता है यार फॉर्मूला, अगर दिस एन विल बी इंक्रीजेस देन करंट विल ऑल्सो इंक्रीजेस। और तो डोपिंग तो सबसे ज्यादा हाई किसकी है भाई साहब, एमिटर की सबसे ज्यादा डोपिंग हाई है, तो जो हमारा आई सबसे ज्यादा काई में होगा एमिटर में ही तो होगा, और इसमें इसकी जो बेस की सबसे कम है तो कुछ होगी इसकी, इसका भी इसमें भी करंट बनेगा ठीक है, मार थोड़ा ही बनेगा, और इसकी क्या है, इसकी क्या बेस से थोड़ी ज्यादा हमारे एमिटर से तो कम ही है, मीन्स इन दोनों का जो करंट बनेगा वो किसके बराबर होगा, हमारे आईई के करंट के बराबर। तो ये था हमारा पूरा वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर, पूरी जिसकी जो अपनी कहानी थी ट्रांजिस्टर की वो ये है। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारे इस तरह से बनेगा। यहाँ बस एक चीज़ आप ये ध्यान रखना, जब आप ये बनाएं तो ये चीज़ का ध्यान रखना, एग्जामिनर में आपसे फिर से कहता हूँ इसी चीज़ के मार्क्स देता, वो यही चीज़ देखता कि बेस का साइज बड़ा किया कि नहीं किया है, उसका जो हमारा सॉरी अपने कलेक्टर का साइज सबसे ज्यादा है कि नहीं है, बेस का साइज सबसे कम है कि नहीं है, एमिटर की डोपिंग सबसे ज्यादा है कि नहीं है, तो इन चीजों पे वो बहुत ध्यान देता है। तो इन चीजों आप बहुत ज्यादा ध्यान रखना। उसके चीज उसके बाद अपन ने वर्किंग और जो एक्टिवेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है बहुत ईजी वाले से, ई के बाद आता है एफ और क्रिस्टिनो रोनाल्डो ठीक है, तो वही चीज आप करना। तो यहाँ पे आपने दोनों बैटरी ये होगा वी डबल ई और वी डबल सी बैटरी से कनेक्ट करना, बैटरी के नाम से तो कुछ है ही नहीं, बस ये बता देना, इतना बता देना ऐसा नहीं कुछ भी नहीं लिख के आए, इतना बता देना कि फॉरवर्ड बायस दे रहा। हाँ एक और चीज इससे याद आया कि फॉरवर्ड बायस दे रहा है और रिवर्स बायस दे रहा है, तो मैंने आपको इसकी पहले बार वीडियो में बता चुका हूं, अगर फॉरवर्ड बायस होगा ट्रू कनेक्शन होगा तो हमें जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या हो जाती है छोटी, और रिवर्स बायस में डिप्लेशन क्या हो जाती है बड़ी, इसकी वजह से ये डिप्लेशन लेयर छोटी और ये बड़ी है ना, तो ये भी ध्यान से बनाना है भाई साहब है ना, ऐसा नहीं दोनों डिप्लेशन लेयर एक जैसी बना दी ठीक है। इतनी हो उसके बाद आप अच्छे से थ्योरी लिखेंगे कि ड्यू टू दिस बैटरी दिस होल विल बिकम नेगेटिव एंड दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन विल रिपेल ईच अदर, देन देयर इज अ लेस डॉपिंग इन दिस, दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव टू द कलेक्टर साइड बिकॉज़ इट इज अ वेरी ह्यूज शेप, दैट व्हाई देन इलेक्ट्रॉन विल मूव हियर देन इट विल कंस्टिट्यूट अ करंट देन विल कंस्टिट्यूट अ करंट व्हिच इज इक्वल टू आईसी। तो पहले तो आपको अलग करंट के बारे में बताना है एमिटर करंट, फिर आपको बनाना है कलेक्टर करंट के बारे में, फिर आपको इसके बारे में बताना कि ये होल्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है जिसकी वजह से एक और कॉन्स्टिट्यूट करेगा करंट विच इज आई बी विच इज योर बेस करंट ठीक है। तो तीन करंट होगा एमिटर करंट कलेक्टर करंट बेस करंट, और यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू केवीएल लिखेंगे आप कि जो नंबर ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग करंट विच मीन्स आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो ये पूरी थी हमारी कहानी ट्रांजिस्टर की। सबसे पहले हमने देखा कि कितने ट्रांजिस्टर होते हैं एनपीएन और पीएनपी, उसमें सबसे अच्छी इफिशियंसी किसकी होती है, उसके बाद हमने उसका डायग्राम देखा, उसका सिंपल देखा कैसे बनता है, उसके बाद हमने क्या देखा वर्किंग। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी लेंदी वीडियो थी, मार क्या करना पड़ा बनाना पड़ी, अभी तो लेंदी छोड़ी वीडियो बन रही है क्योंकि एकदम बीच में अपन तोड़ नहीं सकते ना वीडियो को, मतलब फिर वो नहीं किक नहीं मिलती ठीक है। तो ये थी पूरी आज की वीडियो, तो होप आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो हमेशा हिट द लाइक बटन, यू हैवंट सब्सक्राइब टिल नाउ देन द सब्सक्राइब ऑल्सो, तो देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो दिस इज द पार्ट नंबर 6 एंड द नेक्स्ट वीडियो विल कमिंग टू द पार्ट नंबर 7। अब जो तीन वीडियो आएंगी वो ट्रांजिस्टर पे डिपेंड होंगी, तो ये आप अच्छे समझा होगा, आप मैंने आशा करता हूँ कि आपने अच्छे समझा होगा और आपको समझ में आया होगा, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट खुला बिंदास करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।